शरद यादव नहीं, शरद पवार भी पहुंचे, नीतीश कुमार भी पहुंचे, तो ओम प्रकाश चौटाला ये कह रहे हैं कि एक नए विकल्प की हम शुरुआत करें। जो बात वो कह रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, पिछले एक महीने से थर्ड फ्रंट, उसकी तो हवा निकाल गए, वो कोई कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। नहीं, आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे की जरूरत है? मैं बताऊँ तीसरा मोर्चा क्या, जब अगले जिनको बुलाया था उनने कह दिया बगैर कांग्रेस के कोई फ्रंट नहीं बनेगा। तीसरा मोर्चा किसको कह रहे हैं? ये तीसरा मोर्चा है जो जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, वो तो जो बुलाए थे वही निकाल गए, फूक हवा निकाल गए। सर क्या भारतीय जनता पार्टी वो तो अपने अपना राजनीतिक जो उनकी धरती खिसकी हुई है उसको टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, मिलना कुछ नहीं है। क्या भारतीय जनता एक एक पार्टी का एक विधायक थर्ड फ्रंट की बात करते हैं? तो आपके साथ आते हैं तो सब लोग कांग्रेस के साथ आते हैं? देखिए दो ही होगा, बीजेपी का फ्रंट बनेगा, अपोजिशन का तो एक फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट की कोई मायने नहीं। सर क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कई दलों को इकट्ठा होने की जरूरत है? वो तो सबके अपने अपने दलों की नीति पर है, लेकिन लोगों की जो है प्रजातंत्र में जो है जब भी मजबूत रहेगा, सरकार किसी भी बने, पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। बीजेपी इतनी स्ट्रांग हो गई है सर, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा राजनीतिक दलों को? जिस सरकार अभी उनकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी आई है, होता ही है, ये तो कोई नई बात नहीं है। अच्छा सर, कल जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए, नेता इकट्ठा हुए, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बागमती का कुंडा है, अगर बीजेपी को रोकना है तो सबको इकट्ठा आना होगा, तभी कुछ हो सकता है। 1977 में कौन सा कुंडा था भाई, 77 में कौन सा कुंडा था, हरियाणा में कौन सी कौन सा कुनबा बना हुआ है? एक बीजेपी की सरकार तो है नहीं, यहाँ तो बागमती का पहले ही उन्होंने बनाई हुई बागमती के कुनबे से। सर क्या अशोक गहलोत जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है, जिस तरह से चर्चाएं? पार्टी का फैसला, जो पार्टी सबका ये कदम चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तेरा दिल करता तू भर दे भाई, अशोक का तो अशोक भर देगा, जिसका भी है वो भर दो। चुनाव है, चुनाव है, यूनानिमिटी अच्छी होती, लेकिन चुनाव है, सबकी मर्जी है, जो चुनाव लड़े। तन लड़ना तो मैं प्रपोज कर दूंगा तेरे नाम। आप लड़ रहे हैं सर? 30 तारीख को पता लगेगा कौन लड़ रहा है, कौन लड़ा। आखिरी नामांकन जो है वो 30 तारीख को, तो 1 तारीख को मेरे से बात कर लियो कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अगर आपको जिम्मेवारी मिलती है तो तैयार है आप? अभी चुनाव है भाई, 30 तारीख को के बाद बात करना।